हेलो एंड वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन। दोस्तों, मैं हूं सिमरन। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब चैनल पर इस पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं। सभी जिन्होंने भी इस पर वीडियो बनाया है, उन्होंने अपने अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो बताए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इसे देखिए, मैंने इस तरह से कम पानी में भिगोकर रखा हुआ था। वैसे तो मैं इसे यूज़ करना भूल गई, और अक्सर हम ये सुनते हैं कि इसे 4 से 5 दिनों के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। तो मुझे इस फर्टिलाइज़र को बनाए हुए करीब आज 14 डेज़ हो गया है, और इसे जो मैं अब देख रही हूँ ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई भी सड़न या कोई गंदी स्मेल और या फिर किसी भी तरह की कोई भी इंसेक्ट, कोई कीड़े, कोई वॉर्म, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इसे अपने गार्डन में पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, इसे ये पहले इस तरह दिखाई देता है। ये सूखे फॉर्म में मिलता है पहले तो, हमारे मार्केट में बहुत आसानी से ये हमें मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 रुपये केजी में हमें मिलता है। दरअसल ये गाय भैंसों का चारा होता है, और अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से अगस्त में ग्रो किया था, और अब इसमें छोटी छोटी ये जो कलियां भी आप देख रहे हैं। तो अपने प्लांट में फ्रेंड्स, कलियों को लाने के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस सरसों खल खाद का हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये 250 ग्राम मैंने लिया है, और ये 1 लीटर का ये डिब्बा है। तो इसमें बस थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे 6 से 7 दिन 8 दिन तक छोड़ दूंगी, और जब मैं सेकेंड टाइम अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र दूंगी तो ये जो खाद है तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो ये मेरे 25 लीटर का एक बकेट है, तो मैंने हाफ बकेट पानी ले लिया है। और आज मैं ये जो देखिए, मेरे जितने क्रिसैंथेमम हैं, ये पेंजी हैं, और भी कई तरह के विंटर फ्लावर्स जो हैं, उन सभी में मैं ये आज ये खाद यूज़ करूँगी। देखिए, इस पानी में मैंने इस पेस्ट को मिक्स कर लिया है। चाहे तो आप पूरे पानी के साथ ही इसे घोल कर रख सकते हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है, आप 7 से 8 दिन या 10 दिन के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो होगा सिर्फ ये, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थोड़ी जो बैड स्मेलिंग करेगा, इसके बाद और कोई इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा जिससे आप डरें। तो अच्छे से इसे एक स्टिक से हिला लें। हम इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, हमारे हाथों में भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक और मेरे पास फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये छोटी मटकी आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर दोस्तों, ये गोबर की खाद को मैंने पानी में भिगोकर रखा था। वैसे ये सूखे फॉर्म में है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत पुरानी खाद, सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये खाद बहुत पुरानी होनी चाहिए, अच्छी तरह से सूख जानी चाहिए, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के किसी मिट्टी के मटके में, जो पानी वाला मटका होता है बड़े वाला, आप उसमें भी ये जो खाद है वो बनाकर रख सकते हैं। तो फिर जब चाहे आप इसे दोबारा दोबारा रिपीट कर सकते हैं, 15 दिनों में या फिर 1 महीने में। तो इन सर्दियों में ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इन सर्दियों में दोस्तों, ये सभी जो खाद है हमें हमारे प्लांट्स में डालते ही रहना चाहिए। तो अगर आप DAP, NPK इन सभी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये गोबर की खाद और ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने प्लांट में यूज़ करिए। तो ये मेरा जो पॉट है ये छोटी है, 6 इंच वाली पॉट है। तो देखिए, मैं आधा कप में इनमें ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आधा बकेट पानी में 4 चम्मच मिक्स किया है। तो अगर आपके पास पॉट ज़्यादा है, जैसे 60 गमले हो, 50 गमले हो, तो आप 1 kg फर्टिलाइज़र 1 बकेट पानी में घोल कर 7 दिनों के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फंगल अटैक का कोई भी डर है, तो आप अपने मिट्टी में नीम खली का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, ये सूखी गोबर की खाद है। तो पहली बार मैं अपने इन क्रिसैंथेमम में ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो विंटर में पहला मैंने खाद दिया है,
ये साल्विया है। तो इस तरह के कई सारे प्लांट्स फ्रेंड्स आप सभी में ये खाद दें। तो ये जो मेरा बड़ा सा पॉट है दोस्तों, इसमें मैं कोई भी खाद अभी नहीं दे रही हूँ। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है बारिश के कारण, तो इस पॉट के नीचे कोई होल भी नहीं है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, गार्डनिंग के लिए मिट्टी जो है वो बिल्कुल पोरस तैयार करिए। उसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिलाएं और थोड़ी सी रेत मिलाएं और कोई भी आप ऑर्गेनिक खाद ज़रूर ज़रूर मिलाएं और ड्रेनेज होल का पूरी तरह से ख्याल रखें। ये देखिए, ये अलाइसम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट बहुत छोटे हैं तो ये जो खाद है आप बिल्कुल भी उसमें इस्तेमाल ना करें। और अगर आप बिल्कुल नए हैं दोस्तों, तो पहले दो या चार पॉट में ही इस्तेमाल करके देखें, उनका फ़र्क देखें दूसरे प्लांट से, तभी फिर आप ये आगे कंटिन्यू करें। तो ये मेरे कुछ डायंथस हैं जैसे, और ये है मेरे फ्यूशिया के प्लांट। इन सभी में मैंने दोस्तों ये जो खाद है थोड़ी थोड़ी सी दे दी है। तो अभी प्लांट जलने का भी कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप इसकी जो डोज़ है वो ज़्यादा रखेंगे तो फिर प्लांट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ डैमेज होगा। तो हल्की फुल्की ही खाद दें आप। ये कैलेंचो है, देखिए इसमें छोटी छोटी कलियाँ अब बन गई हैं। तो विंटर सीज़न का जो हर प्लांट है, आप हर प्लांट में इस खाद को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के बाद दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप फिर गोबर खाद भी यूज़ करें, दोनों में से कोई भी खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दें। तो फ्रेंड्स, मैं हर सीज़न में यही करती हूँ। जैसे कि आप अक्सर मुझे ये कमेंट करते हैं कि किस तरह से हम हैवी ब्लूम अपने गार्डन में पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में यही सभी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जो अभी मैंने आपसे शेयर किया है। इसी के साथ दोस्तों, फूलों और फलों के छिलकों से बना हुआ बायो एंजाइम भी मैं अक्सर अपने फूलों वाले प्लांट पर उनका जो स्प्रे करती ही रहती हूँ। इस पर मेरे चैनल पर वीडियो भी है, आप चाहे तो ज़रूर चेक करें। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, अगर आसपास आपके शहर में ना आपको मिले तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन ज़रूर एक बार चेक करिएगा, वहाँ पर आप सभी के लिए एक गिव अवे अनाउंसमेंट भी है। तो मुझे उम्मीद है ये जो आज की वीडियो थी दोस्तों, आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मैं उम्मीद करूँगी दोस्तों, ये जो विंटर सीज़न है आपके गार्डन में फूलों से बिल्कुल भर जाए। और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपना और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।